हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल टेक वेब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा BOOA रैनसमवेयर के बारे में कि आप इस वायरस को कैसे अपने कंप्यूटर से रिमूव करेंगे और कैसे आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो पहले ही मैं वीडियो में बताना चाहता हूं कि इसके लिए भी अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्रिप्टर नहीं है जिसको आप यूज़ करके आप अपनी फाइल्स को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिकवरी मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप कुछ अपना डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और पहले जो ये रैनसमवेयर है, ये एक स्टॉप डीजे व्यू फैमिली से बिलोंग करता है जो आपकी सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट करके रखता है विद डॉट BOOA एक्सटेंशन। आपके लास्ट में हर किसी फाइल में आ जाता है और आपको कोई भी फाइल आपके कंप्यूटर में ओपन नहीं हो जाएगी। तो ये एक नया रैनसमवेयर है जो आज से ही स्प्रेड हो रहा है, आज सुबह से ही अगर आपके कंप्यूटर में आया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी से अपने कंप्यूटर का जो इंटरनेट है उसको डिसेबल करें ताकि फर्दर डैमेज आपके कंप्यूटर में ना हो। तो उसके बाद आपको, जैसे ही आपने कंप्यूटर में जो इंटरनेट है वो डिसेबल किया, उसके बाद हमें पहले रिमूवल प्रोसेस करना है, उसके बाद हम रिकवरी प्रोसेस पे जाते हैं। तो कंप्यूटर में जैसे ही आपने इंटरनेट बंद किया, उसके बाद आपको पहले रिमूवल पे ध्यान देना है, और पहले हम होस्ट फाइल चेक करेंगे। वहाँ पर हमें देखना है कि कोई अननोन आईपी एड्रेस तो नहीं है वहाँ पर, अगर क्योंकि जो हैकर्स या अटैकर्स हैं जिन्होंने भी ये अटैक किया है तो वो आपके होस्ट फाइल में कुछ आईपी एड्रेसेस डालेंगे जिसकी मदद से आपका जो कंप्यूटर है वो एज ए की लॉगर एक्ट करता है। और जो भी आप प्रेस बटन करते हो या कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी पर्सनल डिटेल आप अपने कंप्यूटर पर देते हो तो वो उनके सर्वर पर सेव हो जाती है। तो आपसे रिकमेंडेशन है कि आप अपने कंप्यूटर से जल्दी से इंटरनेट बंद कीजिए। उसके बाद आपको होस्ट फाइल चेक करनी है, और होस्ट फाइल के लिए आपको यहाँ पर नोटपैड में जाना है और यहाँ से आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप यस कीजिए, और उसके बाद आप फाइल में जाइए, ओपन पे आपको क्लिक करना है, और आपको सी ड्राइव में जाना है। सी के बाद आपके विंडोज़ का एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर जाना है। उसके बाद सिस्टम 32 बिट का और एक फोल्डर होगा, वहाँ पर जाना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको और एक फोल्डर दिखेगा ड्राइवर्स के नाम से, वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ETC का फोल्डर है उधर क्लिक करना। उसके बाद ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है, और होस्ट फाइल ये रही। अब ये जो है, ये आईपी एड्रेस आपकी आईपी एड्रेस है, लोकल आईपी एड्रेस है, इनको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपके कंप्यूटर में बहुत सारे आईपी एड्रेस होंगे, उनमें आपको सिंपली ऐसे करके डिलीट कर देना है सबको, और उसके बाद फाइल पे जाके आपको सेव करना है। तो ये पहला स्टेप है, और उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। तो अब दूसरा स्टेप दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर में जाना है और आपके सी ड्राइव में जाना है जहाँ पर जो वायरस फाइल्स होती है वो हिडन करके रखते हैं ये। तो आपको यहाँ पर व्यू का बटन मिल जाएगा, व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको हिडन फाइल्स अगर सिलेक्ट नहीं है तो हिडन फाइल्स को आपको यहाँ पर व्यू में जाके हिडन फाइल्स को सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ से ये देखिए, कुछ फाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और उनको आप सिंपली आपको Ctrl+D या Shift+D करके उनको डिलीट कर देना है। तो ये फाइल्स को डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ से टास्क मैनेजर में जाना है। टास्क मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर आप मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से स्टार्टअप पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो इनेबल्ड होंगे, जैसे आप अपने कंप्यूटर को रन करेंगे वो जो सर्विसेज है वो खुद ब खुद चलेंगी। तो आपको कोई भी यहाँ पर सर्विस इनेबल नहीं रखनी है, तो आपको सबको डिसेबल करना है, क्योंकि कुछ इसमें वो भी सर्विसेज होंगी जो उन्होंने वहाँ पर आपके कंप्यूटर में डाली है, तो जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा तो उनके सर्वर से कनेक्ट होने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो इन सबको आपको डिसेबल कर देना है, और डिसेबल करने के बाद आपको यहाँ से इसको कट करना है। तो ये था, ये तीन प्रोसेस थे। उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर में एक अच्छा सा एंटीवायरस, लेजिटिमेट एंटीवायरस जो प्रीमियम हो, ऐसा नहीं कि तो आपने कहीं से क्रैक करके कोई एंटीवायरस डाला है अपने कंप्यूटर में, क्योंकि जो रैनसमवेयर आता है वो भी इसी वजह से आता है। अगर आपने कोई अननोन वेबसाइट विजिट करी है, या आपने कोई टॉरेंट फाइल या क्रैक किसी का डाउनलोड करने की कोशिश करी है, तो वहाँ से ही रैनसमवेयर आता है। अब आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सा एंटीवायरस बाय करना है। आपको फ्री वर्जन भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें रैनसमवेयर प्रोटेक्शन, रैनसमवेयर जो वहाँ पर आपको फाउंड करेगा मालवेयर, वो वहाँ फाउंड नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको एक एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर मैंने एक एंटीवायरस यहाँ पर अमेज़ॉन पे मिल रहा है, बहुत ही अच्छा एंटीवायरस है, 310 रुपये का है, और ये बिट डिफेंडर का है, और विद
रैंसमवेयर प्रोटेक्शन। तो अगर आप ये बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ये भी बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और मैं खुद ये यूज़ करता हूँ। तो अगर आपके पास पहले से ही कोई बाइड या प्रीमियम वर्जन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने जैसे ही इसको बाय किया, अब उसके बाद आपको अपना कंप्यूटर जो पूरा प्रीमियम वर्जन से स्कैन करना है और जो भी वहाँ पर मालवेयर फाइंड करता है उनको रिमूव करना है या क्वारंटीन करना है। अब उसके बाद हम आते हैं रिकवरी पे। रिकवरी आपको कैसे करनी है दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बताया कोई ऑफिशियल डिक्रिप्टर नहीं है। अब पहले क्या करना है आपको, आपको देखना है आपकी जो आईडी है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। बेसिकली जो ये रैंसमवेयर है ये आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है इधर विद ऑनलाइन की और ऑफलाइन की, लेकिन बहुत ज़्यादा सिस्टम को वो ऑनलाइन की से इनक्रिप्ट करता है। और अगर आपकी भी ऑनलाइन की है तो आप पहले ये जो ऑफलाइन की मैं बोल रहा हूँ, पहले आप ऑफलाइन की अगर आपको है, आप क्या कर सकते हो, आप सीधे EMSI सॉफ्ट की वेबसाइट से वेबसाइट पे जाके यहाँ पर आप लगाओगे स्टॉप डीजीव्यू डिक्रिप्टर, तो यहाँ से आपको एक डिक्रिप्टर डाउनलोड होगा और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको CD और E जहाँ पर भी आपकी फाइल्स है आपको वो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको डिक्रिप्ट पे क्लिक कर देना है और जो भी फाइल्स आपकी होंगी वो सारी यहाँ पर डिक्रिप्ट हो जाएंगी। लेकिन ये जो फाइल्स है ये सिर्फ ऑफलाइन आईडी पे काम करेगा, जो अभी रिसेंटली जो नया वायरस है अगर कोई ऑनलाइन की है तो उसमें ये वर्जन काम नहीं करेगा। अब अगर आपके पास अब कैसे आपको पता चलेगा कि ये ऑनलाइन हमारी है या ऑफलाइन है, तो जो आपकी पर्सनल आईडी है जो रीडमी डॉट टेक्स्ट फाइल आपके हर किसी फोल्डर में है वहाँ पर आप किसी भी फाइल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर पर्सनल आईडी दी होगी। अगर वो एंडिंग विद T1 है तो आपका मतलब है कि आपकी ऑफलाइन है, बाकी जितने भी सारी आईडीज एंडिंग है तो वो सारी की सारी ऑनलाइन आईडीज है। तो चलिए अब अगर ऑनलाइन आईडी आपको है आप कैसे करेंगे, पहला जो सिंपल मेथड है आपका वो रिस्टोर पॉइंट है। अगर आपने कभी अपने कंप्यूटर में या कंप्यूटर ने कभी सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाया है, आप अपने कंप्यूटर को बैक टू दैट स्टेज ले जाओगे। मान लो अगर आपका कल ठीक चल रहा था कंप्यूटर, तो आपके कंप्यूटर में अगर कोई भी रिस्टोर पॉइंट कल का होगा आप अपने कंप्यूटर को उस स्टेज पे वापस ले जा सकते हो। तो वो कैसे करोगे आप, rstrui.exe ये यहाँ पर आपको ये डालना है rstrui.exe, ठीक है, ये रन कमांड है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। अब ये देखिए क्योंकि मैंने कल ही सिस्टम को फॉर्मेट किया था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ दिक्कत थी मेरे सिस्टम में, तो अगर आपने कोई सिस्टम को यहाँ पर आपने अपग्रेड वपग्रेड नहीं किया है तो आपके सिस्टम में बहुत सारे यहाँ पर रिस्टोर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और आप किसी भी रिस्टोर पॉइंट पे क्लिक करके आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, लेकिन याद रखना कि डेट वो होना चाहिए जब आपका सिस्टम ठीक से काम कर रहा था। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट के बाद फिनिश करना है और जितनी भी चेंज उस डेट के बाद आ गई होगी आपके कंप्यूटर में, आप ये जो कंप्यूटर आपका है वो फॉरगेट करेगा वो चेंज और आपका जो डेटा है वो वापस आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप है, अगर आपके पास कोई रिस्टोर पॉइंट है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं तो उसके बाद फिर आप एक सॉफ्टवेयर है शैडो एक्सप्लोरर वो आप डाउनलोड करोगे तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो दोस्तों हमारे पास है वो है फोटो रैक का, उसकी भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, टेस्ट फोटो रैक के नाम से सॉफ्टवेयर है, आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इस तरह का ये सॉफ्टवेयर है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट के बाद आपको यहाँ पर ये जो फाइल्स है यहाँ पर आपको जाना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोटो रैक _vim, इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको यहाँ पर टाइम लगने वाला है थोड़ा सा, जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा अब यहाँ पर आपको ये मैसेज दे रहा है कुछ, मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर रन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर यस पे मैं क्लिक करूंगा और थोड़ा सा यहाँ पर इसको टाइम लगेगा खुलने में। तो ये देखिए ये इस तरीके का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपको पूरी हार्ड डिस्क जो आपकी है उस पर आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद फाइल फॉर्मेट्स में जाना है और यहाँ पर आप रिसेट करेंगे जो भी आपको चाहिए। मान लो PNG आपको चाहिए आप PNG सिलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पर अगर आपको JPG फाइल से आप JPG सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर ओके करोगे और यहाँ से जो है ब्राउज डेटा ब्राउजिंग, उसके बाद आपको कोई भी फोल्डर आप बना सकते हो जहाँ पर आपका जो रिकवर डेटा है वो सेव रहेगा। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर और यहाँ पर उसके बाद सर्च में जाने के बाद यहाँ से सर्च करेगा और यहाँ जितने भी आपकी फाइल्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप उस फोल्डर में जाओगे और वहाँ से आपकी फाइल्स जो है वो वापस आ जाएगी। तो ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास PDF कोई फाइल है तो आप PDF की फाइल्स को आप एक वेबसाइट से यहाँ पर रिकवर कर सकते हो। iLovePDF.com एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना है और
और जाने से पहले आपको जो भी पीडीएफ फाइल है उसको रिनेम करना है और जो डॉट BOOA आया है उसको मिटाना है और ओरिजिनल फॉर्म में उसको वापस लाना है। उसके बाद आपको रैपर पीडीएफ पे क्लिक करना है और वो फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। लेकिन याद रखना कि इसमें आपको, जैसे मान लो मेरी जो फाइल थी वो abc.pdf पहले थी, अब वो abc.pdf.boa है हो गया, अब BOOA आपको काटना है, बाकी जितना भी है वो आपको रखना है और उसके बाद आपको फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है और अपलोड के बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड रैपर फाइल, वो आपको डाउनलोड करनी है। तो उसके बाद और एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास वंडरशेयर रिकवर एट का जो प्रीमियम है, लेकिन उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप उसको कैसे फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, तो वो भी आपको काम आ जाएगा इस समय। लेकिन अभी मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अभी कोई डिक्रिप्टर नहीं है और अगर कोई भी YouTube पे आपको बोल रहा है कि हम आपके डेटा को डिक्रिप्ट करेंगे तो उन पर भरोसा ना करें और जल्दी से आपके लिए और एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुदा हाफिज़।